कश्मीर में स्वागत है आपका। कश्मीर जन्नत है, हर किसी का दिल होता है कि छुट्टियां मनाने कश्मीर आए, अपने परिवार के साथ आए और शिकारे में बैठ करके कश्मीर की खूबसूरती देखे, डल झील में शिकारे के बैठ करके कुछ खाने पीने का मजा ले। यही तो है कश्मीर की खूबसूरती जो हर पर्यटक को खींच करके ले आती है। लेकिन इस बार तो ये कश्मीर बहुत खास है क्योंकि यहाँ तो G20 की ये जो बैठक है ये हो रही है। G20 की बैठक में सोचिए आप, कश्मीर में बहुत सारी तैयारियां की गई हैं। शिकारे में खास तौर पे लिखा हुआ है वेलकम G20। अंदाजा लगाइए जो डेलीगेट्स हैं, 7 डेलीगेट्स आए हैं, इनके लिए कश्मीर का ये अनुभव कितना यादगार होगा। 1986 के बाद ये पहला मौका है जब इस तरीके से इतने बड़ा डेलीगेशन यहाँ पर आया है, इतने सारे देशों के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। बैठकों का दौर तो है लेकिन साथ ही साथ कश्मीर की वो खूबसूरती भी है। चलिए जरा करते हैं आज शिकारे पर हम भी सफर। अभी कश्मीर में तो हम सब आ चुके हैं लेकिन कश्मीर में सबसे पहले जब लैंड होने के साथ हमारे दिमाग में क्या आता है, ये डल लेक आती है। डल लेक को देखकर दिल बहुत खुश हो जाता है और शिकारे में बैठने का तो जो मज़ा है उसके तो फिर कह नहीं क्या। अंदाज़ा लगाइए ये जो इस तरीके के बहुत सारे शिकारे हैं जो यहाँ तैयार किए गए हैं, क्योंकि कश्मीर की खूबसूरती अगर देखनी है करीब से तो उसके लिए डल झील में शिकारे से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो ये तैयारियाँ खास हैं डेलीगेशंस के लिए जो आएंगे घूमेंगे यहाँ पर और इन वादियों का एक मज़ा लेंगे। देखिए चारों तरफ जिस तरह की, क्योंकि गर्मी का मौसम है, खूबसूरत वादियाँ हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल कश्मीर में नज़र आते हैं। ये वो मौसम होता है जो बताता है कि गर्मियों में भी कश्मीर कितना शानदार नज़र आता है। और फिर डल झील में आप अगर जब घूमते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई देखने को मिलती हैं, पर्यटक भी साथ में होते हैं और जो ये जो जितने भी शिकारे तैयार किए गए हैं उसमें खास तौर पे लिखा हुआ है वेलकम G20। तो ये वो खूबी है जो कश्मीर की अपने साथ, मुझे तो यकीन है ये डेलीगेट्स लेकर के ज़रूर जाएंगे। लेकिन सिर्फ यहाँ तक कहानी नहीं है, कहा जाता है दिल का रास्ता पेट से होकर के जाता है, तो वो जो रास्ता है उसके लिए क्या तैयारियाँ की गई हैं चलिए मेरे साथ में बताती हूँ। तो कश्मीर आए हैं और कश्मीर का स्वाद ना चखा जाए ऐसा कैसे हो सकता है। तो डेलीगेट्स को जो खास व्यंजन यानी कि पकवान पेश करने की, परोसने की जो तैयारी है वो क्या है वो मैं अब आपको बताती हूँ, जिसको देख करके आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। क्योंकि कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, तरह तरह के जो व्यंजन बनाए गए हैं, पकवान तैयार किए गए हैं, इनकी अपने आप में बहुत सारी खूबियाँ भी हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें तैयार की गई हैं। इसमें हम बात करें तो खासतौर पर डोगरा जो है उन्होंने भी कुल्हाड़ा तैयार किया है, राजमा राइस तैयार किया गया है। इसी तरीके की बहुत सारी दम आलू, जो कश्मीर की खासियत होती है उसमें दम आलू भी होता है और कहा जाता है कि नदरू याकिन भी उसमें होता है। तो ये वहाँ की एक खास तैयारियाँ हैं जो कश्मीर को पेश करती हैं, कश्मीर की पहचान के तौर पर जानी जाती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेलीगेट्स को परोसी जाएंगी, पेश की जाएंगी और उसी में ये खास चीज़ें हैं।